वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। बीएससीजी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो हमें उसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और उसमें दोस्तों सर्च करेंगे आर एम एल यू सर्च करेंगे। दोस्तों उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे, फिर आपके सामने एक ऐसा होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इंडिकेट किया जाएगा एरो के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोस्तों अब इस पर हम एक बार प्रेस करेंगे। इसके बाद आप लोगों के सामने एक नया होम पेज ओपन हो जाएगा। ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ये राम मनोहर लोहिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे न्यूज अपडेट यहाँ मिलती रहती है समय समय पर, एग्ज़ाम से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित सभी प्रकार का यहाँ पर नोटिस और न्यूज कंटिन्यू मिलती रहती है, जिससे आप लोग हमेशा अपडेट रहेंगे। देखते हैं सर, यहाँ हम लोग देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग इसको पेज को स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ देखेंगे आ गया यूनिवर्सिटी कॉर्नर। इस यूनिवर्सिटी कॉर्नर पर दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉर्नर, यहाँ पर विद्यालय के अधिकारी लोग कार्य करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर पर कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट, मार्कशीट, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है, इसका एडमिशन हो चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर देखते हैं, स्टूडेंट कॉर्नर के बारे में क्या क्या फैसिलिटी दी गई है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड का। दोस्तों इस एडमिट कार्ड पर हम लोग एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाएगा वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप लोग देखेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक ऐसा होम पेज आपके सामने ओपन होगा। आपके सामने एक ऐसा होम पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, नेक्स्ट पर दिया है डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों आप देखते होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एडमिट कार्ड का। दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर आपको जब आप परीक्षा फॉर्म भरे हैं उसमें दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा कॉर्नर पर, उसको आप यहाँ फिल करेंगे और डेटा फिल करेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया बीएससीजी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर का अगर हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे, इस प्रकार आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू।